हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी नाश्ता, वह भी बहुत ही कम ऑयल में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। मिक्सिंग बाउल में हम एक बाउल सूजी डालेंगे, आधा बाउल हम इसमें बेसन डाल देंगे और एक बाउल हम इसमें दही डाल देंगे। सारा मेजरमेंट आप सेम बाउल से ही करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर मैंने बना लिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। एक छोटा चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा अंदर से सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। मिक्स कर देंगे। बैटर हमारा रेडी है। इसे ढक कर हम रख देते हैं कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। तब तक हम एक बढ़िया सी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में हम नारियल डाल देंगे। ये मैंने फ्रेश नारियल को ग्रेट किया हुआ है। थोड़े से मूंगफली के दाने डाल देंगे, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है और चटनी में कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। दो बड़े चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे और आवश्यकतानुसार पानी डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर रेडी है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए पैन में एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, थोड़ी सी हींग, आधा छोटा चम्मच उड़द दाल डाल देंगे। उड़द दाल को हम पकने देंगे। जैसे ही दाल का कलर ब्राउन होने लगे, हम इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों डाल देंगे और सरसों को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्तों का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लगता है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दो सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। बढ़िया से तड़के को हम अपनी चटनी के ऊपर लगाएंगे। यह तड़का लगाने से चटनी का टेस्ट डबल हो जाता है। इस नाश्ते के साथ इस चटनी का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इस चटनी के साथ नाश्ते का टेस्ट भी डबल हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा रेडी है। अब 2 से 3 मिनट के लिए बैटर को हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह फेंट लेंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनता है। नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने इडली स्टैंड ले लिया है। इडली स्टैंड को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कुकर में पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा डालेंगे। मीठे सोडे की जगह आप 1 चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिक्स कर देंगे। कुकर में पानी भी गर्म हो गया है। अब हम 1-1 चम्मच बैटर इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह सारे इडली स्टैंड में हम इस तरह से भर लेंगे। अब हम कुकर में इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे। स्टीम करते समय कुकर की विसल को निकाल दें। 8 से 10 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना फूला फूला नाश्ता हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। सेकंड बैच के भी मैंने बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट फ्लफी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हुआ है। यह नाश्ता बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम ऑयल में रेडी होता है। इस चटनी के साथ इसका बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।